फाइनली यार अभी मैं मिनी जू पहुंचा तो हमारी डक अभी भी बंद है। इनके जो केज हैं इनको लॉक लगे हुए हैं, लॉक ओपन करके इनको खोलूं बहुत ज्यादा शोर डाल रही है। तो यार अभी मैंने इनको खोल दिया, ये देखें कितना ज्यादा शोर डाल रही है यार, अभी चुप बिल्कुल भी नहीं कर रही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे है आप सब। तो यार फाइनली अभी मैंने आकर मिनी जू में डक को खोला है। अभी उसके बाद हमारी जो बैल हैं, दो बड़ी बैल और शेरू, वो अभी भी ऊपर बांधे हुए हैं। इनको ना इधर से हटाकर इधर पीछे बांधा और इनको ना पानी देता हूँ, ये पानी भी पियेंगे। और इनके काम देखें, लाल बैल को मैंने खोल लिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रेड बैल को खोल रहा हूँ अभी। चलो चलो आ जाओ, तुम भी आ जाओ आ जाओ। तो फाइनली अभी मैंने वाइट बैल को भी पीछे बांध दिया और अपनी रेड बैल को, जो शेरू है ना यार, शेरू बिल्कुल ही उधर रहेगा क्योंकि शेरू को उधर से नहीं हटाएंगे, इधर ही छाऊं चली जाएगी। तो अभी इनको ना हमने पानी देना है, ये पानी पियेंगी। ये पकड़ते हैं बाल्टी और इसके अंदर ना हम पानी डालते हैं और इनके आगे रखते हैं। हमारी डक उधर चावल की फसल पड़ी हुई है, वही खाने लग पड़ी है, जाके वो देखें इधर। फाइनली दोस्तों मैंने पानी रख दिया बैल के आगे, हमारी बैल पानी पीने लग पड़ी है। अभी ये पानी पिएगी, इसके बाद वाइट वाली बैल और फिर शेरू आ जाएगा। अभी मैंने फाइनली वाइट बैल के आगे भी पानी रख दिया और ये भी पीने लग पड़ी है। तो यार अभी मेरा प्लान जो था ना, मैं अपने डक को इधर से बाहर निकालने लगा था, लेकिन ये देखें इधर भी लॉक लगा हुआ है, इधर भी। ये लॉक जो है ना ये ओपन करूंगा फिर ही डक को बाहर लेकर जाऊंगा। लेकिन मेरा ये प्लान है कि साथ में ना लॉक की चाबियां भी ले आऊं और उसके साथ साथ ना मैं अपने डक के लिए जो रोटियां भिगो कर रखी है वो भी उठा कर ले आऊं। लेकिन अभी हमारी वाइट बैल पानी पी रही है, उसके बाद शेरू के आगे पानी रखता हूँ और लॉक की चाबियां और रोटियां जो भिगो कर रखी है वो लेकर आता हूँ अपने डक के लिए। तो फाइनली अपना शेरू भी पानी पीने लग पड़ा है। तो यार अभी मैं चलता हूँ लॉक की चाबियां और ना रोटियां जो भिगो कर रखी है वो लेकर आता हूँ। फाइनली दोस्तों मैं डक के लिए रोटियां लेकर मिनी जू पहुंच चुका हूं। अरे इतना शोर मत डालो, ये लो आपकी डाइट आ चुकी है, ये लो। और अभी इनकी स्पीड देखें, खाती जाएंगी, ये देखें इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है यार। ये तो डाइट खा रही है और मैं उतनी देर में लॉक ओपन कर लेता हूं क्योंकि इनको डाइट खाने के बाद हमने निकालना है बाहर। जैसे कि मैंने आप लोगों से उस दिन बोला था कि हम अपनी डक रैबिट और कलरफुल चिक्स को बाहर लेकर जाएंगे, यार रैबिट को नहीं लेकर जा सकता, वो आपको मैं बाहर चल के ही बताऊंगा। लेकिन अभी लॉक ओपन करता हूं। तो फाइनली मैंने लॉक ओपन कर दिए, अभी ना अपनी जो डक है ना उनको लेकर आना है की तरफ। तो यार तो मैंने दरवाज़ा तो खोला ही नहीं बिल्कुल भी, अभी क्या हो चुका, मैं लॉक ओपन कर जा रहा था लेकिन दरवाज़ा ना ये खोल देते हैं और ये भी दरवाज़ा खोल दिया। फाइनली दरवाज़ा मैंने खोल दिया, अभी डक को लेकर आते हैं। तो यार फाइनली अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है लेकिन जो हमारी डक है ना ये बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन अभी इनको ना इस केज के अंदर बंद करूँगा और दो दो तीन दिन पकड़ के इनको बाहर निकालूंगा। केज के अंदर बिल्कुल आराम से बंद हो जाती है लेकिन बाहर जाने का नाम ही नहीं लेती। छोटी डक को तो मैंने बाहर फेंक दिया यार पकड़ के ना। तो अभी हीरो राजा के बाहर, ये हीरो राजा को मैंने केज के अंदर बंद कर लिया है, अभी इन दोनों को पकड़ के बाहर निकालना है। ऐसे तो ये बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रहे। तो यार दोनों केज मैंने खाली कर दिए हैं क्योंकि डक अपनी चली गई है बाहर, अभी मैं भी बाहर जा रहा हूँ। देखिए आवाज़ आ रही है आपको, इनका प्लान यही दरवाज़ा खोला जाए हम अंदर आ जाएं। इधर चेक करें, इधर खड़ी हैं आराम से यार, इनके काम देखें, घूमो फिरो इधर भला। ये देखें खेत सारी की सारी खाली पड़ी हुई है। चलो 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 यार, अभी जो मेरा प्लान है ना इनको वो सामने खेत में लेकर जाऊँ, जो ग्रीन ग्रीन है ना उस खेत में लेकर जाना, लेकिन ये इधर शुरू हो चुकी हैं पानी के अंदर, गंदा पानी जो है, गंदे पानी के अंदर बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। लेकिन अभी ना इनको थोड़ा सा लेकर चलते उधर की तरफ, अगर चली गई तो। चलो 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 यार, ये देखें उधर जाने का नाम ही नहीं दे रही। अरे उधर को चलो, ये जो छोटे डक है ना ये काम ख़राब कर रही हैं, अगर बड़े डक हीरो राजा होते इन दोनों ने चले जाना था। फिर इनको ज़्यादा तंग नहीं करता क्योंकि ये इधर से जा ही नहीं रही बिल्कुल भी, काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है मैंने लेकिन ये इधर से नहीं जा रही है। देखिए इधर पानी के अंदर लगी हुई है। तो जो मिनी जू से मैंने बाहर निकाली है वो भी बहुत मुश्किल से निकाली है क्योंकि उधर से बाहर आ ही नहीं रही थी। उधर से मैंने एक एक पकड़ के, दो दो पकड़ के इनको बाहर निकाला है, अब इधर से आगे नहीं जा रही। हीरो राजा भी इस टाइम आराम से खड़े कुछ सोच रहे हैं, ये देखें यार अगर डक इधर आ जाते ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आना था, लेकिन डक ने सारे का सारा काम ख़राब कर दिया यार, इधर को आ ही नहीं रही थी। ये देखें
कितना प्यारा ग्रीन ग्रीन घास है। और रैबिट को मैं इधर इसी वजह से नहीं लेकर आया, ये देखें ना, उस दिन भी मैंने आपको बताया था ये चावल की फसल और ये चावल की फसल काम खराब कर देगी। तो यार अगर ये दोनों साइडों पर चावल की फसल ना आन होती तो मैंने रैबिट इधर बिल्कुल लेकर आने थे, वो आराम से इधर आ जाने थे, लेकिन अभी मैं नहीं लेकर आया यार। अगर इधर को भागें, ये डर यही है मुझे, अगर इधर को भागे फिर गए वो, तो इसी वजह से मैं रैबिट इधर नहीं लेकर आया। लेकिन ये देखें माशाल्लाह कितना बड़ा हो चुका है ये जो ग्रीन घास है, तकरीबन 5-6 दिन लगेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर हमारे रैबिट यही खाते रहेंगे यार, बहुत ज़्यादा शौक से ये खाएंगे। और वो सामने डक खड़ी है अभी, वो इसी इंतज़ार में कि दरवाज़ा खोला जाए और हम अंदर चले जाएं। तो यार मैंने तो काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि वो इधर आ जाएं, लेकिन उन्होंने ना इधर आने का नाम ही नहीं लिया यार, बहुत ज़्यादा कोशिश की है मैंने, लेकिन अभी दोबारा उनको अंदर जाने देता हूँ, जाकर दरवाज़ा खोलता हूँ। ये सिर्फ इधर बस गंदे पानी में लगी हुई है यार, लेकिन मैं दरवाज़ा खोलने लगा हूँ, बस अंदर आ जाएं। आ जाओ, चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी तो अंदर नहीं आ रही यार बिल्कुल, आने लग पड़ी। ये देखे अंदर तो भागती आएंगी ना, हीरो राजा भी आ रहे हैं अंदर यार, ये तो पहले चले जाते थे। अरे अरे अरे, अरे बस 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 यार, जितना शोर हमारी हीरो राजा डालते हैं ना, सही बात है यार, मैं इधर खड़ा होता तो सर में दर्द होने लग पड़ती, इतना शोर डालती हैं। अगर मैं बताने वाला था आपको, अगर मैंने इनको पहले भी लेकर गया तकरीबन 3-4 दफ़ा, तो ये खुद बात चली जाती थी तो नहाने के लिए, लेकिन अभी ये इतना मैंने इनको कोशिश की लेकर जाऊँ, लेकिन यार इधर से हिली भी नहीं, इधर से जाती थी उधर से आ जाती थी। तो मैंने फिर दोबारा इनको ना मिनी जू में ले आया हूँ यार। इसकी टांग को भी मसला हो चुका है, ये बस 3 कलरफुल चिक्स रह चुके हैं, तो इन दोनों को भी खोल देता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो इधर ही रहो। अरे वो गया, बाहर गया। तो यार फाइनली इसको भी अंदर छोड़ने लगा, चलो चलो चलो। यार ये कबूतर किधर से निकल गए हैं बाहर, ये देखें, एक वो कबूतरी, एक वो, और ये भी, तीनों कबूतरियाँ जो है ना बाहर निकल आई है। इनको मैं रोटी डालकर गया था शायद, यार ये देखिए इधर से आई हो गई, ये देखें, वो देखो ऊपर चली गई है। ये हमारी कबूतरी बीमार थी माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुकी है, और ये देखिए इधर से बाहर आ गई है। आ जाओ आ जाओ यार ब्लैकी, आ जाओ। रोज़ाना की तरह ना हम इन सभी बर्ड्स को बाहर निकालेंगे आज फिर, अभी ना देसी मुर्गियाँ मुर्गे, अरे अरे आ जाओ देसी मुर्गियाँ और मुर्गे, आ जाओ आ जाओ। यार इस मुर्गी ने 2 ही अंडे दिए थे बस, कल भी नहीं था अंडा दिया, लेकिन जो 2 इसने अंडे दिए थे ना, तो वो तो मैंने खा दिए थे भाई जान, वो मैंने दोनों अंडे खा दिए थे, क्योंकि अगर रानी अंडे देती होती तो फिर वो अंडे हम रख सकते थे, हमारी रानी अंडे दे ही नहीं रही, वो अंडे रखने का कोई मकसद नहीं था। तो अभी ना गब्बर और रानी को भी खोलता हूँ, चलो 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 रानी बाहर चलो। यार रानी के काम देखे यार, बाहर नहीं थी निकाली, तो ये देखे इनका केज बिल्कुल साफ है यार। आज इनको भी बाहर निकाल देते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ एंग्री बर्ड आ जाओ। ये देखे ना इनको जब बाहर निकालता हूँ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन ये वाला केज ना ये भी बंद कर देंगे, क्योंकि रानी केज के अंदर चली जाती है, ये वाला केज भी बंद कर देंगे, ये भी फिर रानी केज के अंदर जा रही है, लेकिन ये वाला केज भी हम बंद कर देंगे। अभी ये सभी के सभी बर्ड्स बाहर रहेंगे, और अपने कबूतर को बाहर निकाल नहीं सकता अब, ये 3 कबूतरियाँ बाहर निकली हुई है, यही बाहर रहेंगी। वे देखिए यार मुर्गियों को मैंने खोला तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही है यार, कभी कभी तकरीबन 1-2 दिन में खोलता भी इनको, क्योंकि इधर चावल की फसल जो फेंकी हुई है ना ये बहुत गंदी कर देती है। अभी ने उसके ऊपर कपड़ा दिया हुआ, तो इसी वजह से मैंने इनको खोल दिया कि थोड़ा घूम फिर ले, लेकिन जो हमारे एंग्री बर्ड है वो आज अपना आप दिखा देंगे, उन्होंने बंद नहीं होना शाम तक यार, बहुत ही मुश्किल से मैं उनको बंद करूँगा, अगर बंद कर भी पाए तो उनको, ये देख केज इन सामने कबूतरों का, उनके केज के अंदर जाएंगे, उधर से पकड़ के बंद कर सकता हूँ, लेकिन वो अपने केज के अंदर नहीं जाएंगे यार, इतने शैतान एंग्री बर्ड मैंने नहीं देखे पहले, बहुत शैतान है ये। और हमारी वाइट वाली कबूतरी वो देखें अभी रास्ता ढूंढ रही है कि किस रास्ते से मैं अंदर जाऊं, लेकिन अभी इनको अंदर कैसे मैं भेजूं, अगर मैंने दरवाज़ा खोला केज का तो जो अंदर वो भी बाहर आ जाएंगे, तो ऐसे काम हो जाएगा ख़राब, लेकिन अभी केज का दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। इधर कुछ थोड़ी सारी ये रोटी बची थी, मैं रख कर गया था, कबूतरों को डाली थी, कबूतरों ने ख़त्म कर दी है, लेकिन अभी इसमें से न कुछ अपने कबूतरों को डालते हैं, ये देखें, ये लो ये लो ये लो, खा लो खा लो, और ये वाली ना बाकी बर्ड्स को डाल देते हैं, आ जाओ। अरे अरे वो देखें, अरे गब्बर गब्बर यार गब्बर अपने बुरे काम से बाज नहीं आता, वो देखें यार किसी भी बर्ड को गब्बर खाने नहीं दे रहा, ये जो रोटी मैंने डाली है ना, गब्बर के काम देखें, अगर मैंने इसको अंदर बंद कर दिया तो ये बिल्कुल फिर मासूम होकर अंदर खड़ा रहेगा, बहुत बुरे काम करता है गब्बर यार, इनको खाने नहीं देता, वो देखें भगा देता है।
तो यार ये थी हमारी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हमारे चैनल रहमान अली व्लॉग को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो यार इधर देखें, गब्बर ने वो एंग्री बर्ड को भगा कर ऊपर बिठा दिया। यार ये क्या काम कर रहा है गब्बर, मुझे तो ये रोटी डालनी नहीं चाहिए।